इसराइल के लेबनान के बाद यमन की बंदरगाह हुदैदा पर फजाई हमले, पावर प्लांट और तेल की तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है कि यमन में पावर प्लांट्स और एक बंदरगाह पर हमला किया, फांसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्ला का शहीद हसन नसरुल्ला का जस्द खाकी मिलने का दावा। हसन नसरुल्ला बेरोत के जनूबी इलाके में इसराइली बम्बारी में शहीद हुए। हसन नसरुल्ला का जस्द खाकी इसराइली बम्बारी के मुकाम से बरामद हुआ। तिब्बी और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्ला के जिस्म पर बड़े जख्म का कोई निशान नहीं। लगता है कि हसन नसरुल्ला की मौत धमाके की शिद्दत से हुई। हिजबुल्ला की जानिब से ताहाल हसन नसरुल्ला की तदफीन के हवाले से कोई बयान नहीं दिया गया। लेबनान में इसराइल के फजाई हमले, हिजबुल्ला के मजीद रहनुमा और कारकुनान की शहादत, इसराइल का हिजबुल्ला के एक और सीनियर रहनुमा नबील काउक को भी शहीद करने का दावा। हिजबुल्ला ने नबील काउक के हसन नसरुल्ला पर होने वाले हमलों में शहीद होने की तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्ला के हमराह ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर जनरल अब्बास नेलफरोशान भी शहीद, ईरानी पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। लबनान में इसराइल के फजाई हमले जारी। इसराइल का जनूब मजाफाती इलाके में हिजबुल्ला के असलहे के डिपो को निशाना बनाने का दावा। शिमाली वादी बीका के शहर जबूत में ताज़ा हमलों में एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज से जारी बमबारी से 50 शहरी शहीद और 195 से ज्यादा जख्मी हुए। मजमूई तौर पर शहदा की मजमू तादाद 1600 से बढ़ गई। 8408 जख्मी, शहदा में 104 बच्चे और 194 खवातीन शामिल। बेघर होने वाले लबनानी शहरियों की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई। हिजबुल्ला के इसराइल पर जवाबी वार रॉकेट से हमले, शिमाली इसराइल और मगरबी किनारे के मकबूजा इलाकों में इमारतों में आग भड़क उठी। इराक से भी इसराइल पर ड्रोन हमला, इसराइली फौज का यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, जोरदार धमाका सुना गया, किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि जो हम पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। इसराइल के मकासद के हुसूल के लिए हसन नसरुल्ला को ख़त्म करना ज़रूरी था। हमने अनगिनत इसराइलियों की मौत के जिम्मेदारों से बदला ले लिया। हसन नसरुल्ला और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। इसराइल पर हमला किया गया तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान को भी खबरदार कर दिया, लेबनान पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्दमल, ईरान का इसराइली जारहियत पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। अक़वामे मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल के 15 अरकान को ख़त, ईरानी नुमाइंदों के खिलाफ हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरबराह हिजबुल्ला हसन नसरुल्ला की शहादत, कराची में रैली के दौरान हंगामा आराई, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मोटरसाइकिल को आग लगा दी, मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए पुलिस की शैलिंग, सहाफ़ी और पुलिस अहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी, मुतादिद गिरफ्तार। हामियाने फलस्तीन के ज़ेर एहतमाम, नुमाइश चौरंगी से अमरीकी कौंसुलेट तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए अमरीकी कौंसुलेट के सामने धरना, मुज़ाकरात कामयाब होने पर पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। मुजाहिरीन मुंतशिर इस्लामाबाद में भी हसन नसरुल्ला की शहादत पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, इस्लामाबाद पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया, इस्लामाबाद पुलिस ने खवातीन मुजाहिरीन को भी गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में असेंबली हॉल से अमरीकी सेंटर तक एहतजाजी रैली निकाली गई। जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने हसन नसरुल्ला शहीद की गायबाने नमाज जनाजा पढ़ाई। बहावलपुर में भी हसन नसरुल्ला की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। चिन्योट में भी एहतजाज, मुजाहरे में इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला आज सुनाएगा। जमीयत को हल्का मत लिया करो, हम तादाद में कम होकर भी अहम हैं। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया।
पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं है, तरमीम के हवाले से कोई सियासी मकासद नहीं होने चाहिए, जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ज्यादती है। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मौलाना ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया, कहा जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो हम मैदान में रहेंगे, शख्सियात के दरमियान फंसना नहीं चाहिए, जमहूरी अमल के हक में हूँ, धमकियों वाले बयान को सपोर्ट नहीं कर सकता। अली मीन गंडापुर का बयान बचगाना है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐसी गुफ्तगू करना नामुनासिब है, सूबों के अंदर इनकलाब लाने वाली बात नहीं करनी चाहिए, जलसे को रोकना या इजाजत ना देना गैर जमहूरी रवैया है। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, जब चाहें करा सकते हैं, शर्जील इनाम मेमन का दावा। सीनियर सूबाई वजीर सिंध ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तरमीम के हवाले से इत्तेफाक राय चाहते हैं, मुत्तफ़िका मुसव्वदे के लिए ही कोशिशें जारी हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम जमातें मिलकर चलें, चाहते हैं कि इंसाफ की फराहमी में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। 20 साल से लोगों के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, आईनी तरमीम के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अली अमीन गंडापुर जलसों में भड़के मारते हैं, मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर के दोनों तरफ खेल रहे हैं, MQM बेचारी काबिल रहम है, इसको छोड़ दें। 18 अक्टूबर को हैदराबाद में तारीखी जलसा करेंगे, सानिया कारसाज के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई, रमा साल 7,23,000 फाइलर्स टैक्स नेट में आ गए, नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, टैक्स वसूली में इजाफा नागुजीर है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है, सरकारी इदारों में असलाहत लाएंगे, 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, 6 वजारतें ख़त्म करने के फैसले पर अमल दरामद होगा, मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम से मजबूत मईशत की बुनियाद रख दी। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं एक रास्ता है, निजी शोबे में मुल्क की क़यादत करनी है, मकामी कर्जों के लिए टी बिल्स और बॉन्ड्स की पेशकश मुस्तरद कर दी, पाकिस्तान के पास 2 माह की दरामदात के बराबर ज़रे मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं। रावलपिंडी में PTI का एहतजाज और तोड़फोड़, बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज, मुकदमा थाना न्यू टाउन में सब इंस्पेक्टर उमर सदीक की मुदय्यत में दर्ज किया गया। FIR में तोड़फोड़ की मनसूबाबंदी करने की दफात शामिल की गई, PTI रहनुमाओं के खिलाफ भी 4 थानों में मुकदमा दर्ज, मुकदमा थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना आरे बाजार में दर्ज किए गए। समाबिया ताहिर, असद अब्बास, एजाज खान, आमिर मुगल समेत 100 से ज्यादा कारकुन नामजद मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज हुए। अगर कोई समझता है कि हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे, गुज़श्ता रोज़ हम पर गोलियां बरसाई गईं, हमारे कारकुन जख्मी हैं, हमारी इज्जत को पामाल किया गया मगर हमने पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया, वीडियो पैगाम में कहा कि अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। तमाम इदारों को पैगाम है, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें, बीच में ना आए। गोली चलाने और लाशें गिराने का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान उनकी अपनी नाकामी का एतराफ़ है कि वो KPA हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्करकशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए, इससे वो अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल, कहा गाली गोली और बंदूक से महंगाई कम होगी ना बेरोजगारी। 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा PTI की लूट मार का अड्डा बना है, PTI की सूबाई हुकूमत का कोई बयान, कोई इकदाम और कोई रवैया जमहूरी सियासी और पार्लियामानी नहीं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम तालीम, सेहत, रोज़गार, मौशी बेहतरी के मैदानों में मुकाबला करेंगे, इनकलाब लाना है तो सेहत, तालीम और आवाम की फलाह बहबूद के मनसूबों का इनकलाब लाएँ। KP में करप्शन और नाअहली की इंतहा हो चुकी है। ऐसी धमकियाँ जो हैं उन पर हम रियासती हुकूमत या रियासत की पॉलिसी नहीं बना सकते। गंडापुर साहब अगर वाकई अपने हलफ की पासदारी करना चाहते हैं तो वो बजाय पंजाब में आने के
वो केपी के सरहदी इलाकों में जाकर दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे और धमकियों और गीदड़ भपकियों से तो हुकूमतें नहीं चलती। अली अमीन, गंडापुर की धमकियां गीदड़ भपकियां हैं, रियासत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर आला केपी, पंजाब में जेल तोड़ने की फिक्र छोड़ें, केपी की फिक्र करें। जहां तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में दो बार जेल टूट चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर कहा कि इनकलाब 8 फरवरी को आ चुका, बानी पीटीआई को जेल जाकर नहीं निकलवा सकते, मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी, बानी पीटीआई सियासी जिद्दोजहद से ही बाहर आएंगे।